अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख है तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। उन सभी रास्तों को त्याग दीजिए जो आपकी मंजिल तक नहीं जाते, चाहे उन पर कितनी ही प्यारी घास क्यों न बिछी हो। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है जो समय समय पर परीक्षा लेती है। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी विचार करना पड़े। सफलता पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर करती है। बिना तैयारी किए गए काम में असफलता की संभावना बढ़ जाती है। जीवन में आपको कभी किसी चीज से डर लगे तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि उसे खत्म करने की कोशिश करना। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। इतना भी आसान नहीं जिंदगी को जी पाना। बहुत लोगों को खटकने लगते हैं जब हम खुलकर जीने लगते हैं। उत्साह के साथ किया गया काम व्यक्ति को सफल बनाता है। इसलिए कभी भी निराश मत होना, यही सफलता का मूल मंत्र है। जब तक जीवन है सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछे नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे इज्जत हो या फिर धोखा। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान नहीं। हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसको पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत के हिसाब से आंकोगे तो पूरी उम्र यही सोचकर जिंदगी बीत जाएगी कि वह मूर्ख है। अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। जीवन में कभी जोखिम लेने से ना डरना, क्योंकि इससे आपको जीत मिलेगी और अगर हार भी गए तो सीख जरूर मिलेगी। जिंदगी में आप अपनी मुश्किलों का सामना करोगे उतने ही मजबूत बनोगे, और जब आप मजबूत बन जाओगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। बीता हुआ हर लम्हा जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है। आने वाले हर हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जिंदगी में मजा वो काम करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। हमारे पास आए तांस के पत्तों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन मौजूदा पत्तों को अच्छे से खेलकर पूरी बाजी जरूर जीत सकते हैं। जब लोग हार मान लेते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वे सफलता के कितने करीब थे। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। उत्साह के साथ किए गए काम व्यक्ति को सफल बनाते हैं, इसलिए कभी भी निराश न होना सफलता का मूल मंत्र है। थोड़ा डूबूंगा मगर फिर मैं तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। चिंता एक चक्रव्यूह के समान है जिसके भीतर जाकर व्यक्ति जीवन में भटक जाता है। जीवन की सबसे महंगी चीज है उसका वर्तमान। जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। जिस विश्वास के साथ एक डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और उस घाव को भर देता है, उसे विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। निश्चित ही आपका कार्य सफल होगा। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद को बनाना है। जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल जाता है, लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते वो बहाना खोज लेते हैं। चिंता एक चक्रव्यूह के समान है जिसके भीतर जाकर व्यक्ति जीवन में खो जाता है। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। कामयाबी के लिए तड़प होनी चाहिए, सोच तो हर कोई लेता है। आपको डुबाने का प्रयास कुछ ऐसे ही लोग करेंगे जिन्हें तैरने आपने सिखाया होगा। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। सफलता एक वाहन है जो कर्म के पहियों पर चलता है, लेकिन आत्मविश्वास के ईंधन के बिना यात्रा करना असंभव है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। अपनों के साथ खेलना खेला करो साहब। गलती से अगर जीत भी गए तो बहुत कुछ हार जाओगे।